नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। देश के जिन दो बड़े शहरों में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा केस, जिन्हें सबसे ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है, उन्हीं शहरों में अब गाड़ियां ऐसे फर्राटा भर रही हैं जैसे कोरोना वायरस का खतरा ही खत्म हो गया। दरअसल 8 जून से कंटेनमेंट जोन को छोड़कर देश भर में अनलॉक 1 लागू कर दिया गया, जिसके तहत मठ मंदिरों को खोलने के साथ ही कई तरह की रियायत दी गई। अनलॉक 1 में मिली छूट के बाद देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सड़कें गाड़ियों से पट गई। महाराष्ट्र के वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे पर गाड़ियों की लाइन लग गई। एक साथ इतनी गाड़ियां सड़कों पर उतरी कि ट्रैफिक जाम हो गया। मुंबई जैसा ही नजारा राजधानी दिल्ली में भी देखने को मिला। केजरीवाल सरकार ने रविवार को दिल्ली की सीमाएं खोलने का फैसला लिया और सोमवार को ही अनलॉक 1 लागू हो गया, जिससे लोग सड़कों पर उतरने लगे। सुबह सुबह ही दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर बने डीएनडी पर गाड़ियों की कतार लग गई, जिससे ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई। दिल्ली मुंबई की ऐसी हालत तब है जब दोनों शहर कोरोना वायरस के मरीजों के मामले में सबसे आगे। महाराष्ट्र में जहां 82,000 से भी ज्यादा कोरोना वायरस के मरीज हैं, तो वहीं दिल्ली की बात करें तो राजधानी में 27,600 से भी ज्यादा कोरोना वायरस के मरीज हैं। जबकि पूरे भारत में आंकड़ों पर नजर डालें तो कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या अब तक 2.5 लाख से भी ज्यादा हो गई। 8 जून से शुरू हुए अनलॉक 1 के बाद इन आंकड़ों में और भी ज्यादा इजाफा होने की आशंका जताई जा रही है।